पाक पतन तक। 7-8 साल कभी मैं अपने ऑफिस में मसरूफ़ करता, दायांग से नज़र आना कम होने लगा, 10 मिनट में आँख की बेनई 0 हो गई, बाएँ आँख के साथ भी ऐसा ही होने का अंदेशे ने घेर लिया, या ऐसे होने के अंदेशे ने घेर लिया। मैं अंधेरा होने के भयानक ख्याल से दो चार था, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि आँख की बिनाई धीरे धीरे बहाल होने लगी और कमोबेश इतनी ही मुद्दत या लम्हों में आँख रोशन हो गई जितने में अंधेरे में डूब गई थी। फौरी तौर पर आई स्पेशलिस्ट के पास गया तो उसने कहा शायद शुगर की कमी पेशी से ऐसा हुआ है। उसे सैंपल के तौर पर आए हुए आई ड्रॉप्स देकर रुख्सत कर दी। इसके बाद कुछ कभी ऐसा ना हुआ। गुज़श्ता हफ्ते चौधरी मोहम्मद हनीफ की वालदा के इंतकाल पर पाक पतन जाना था। राना इलिया समुंदरी के नवा में कंजवानी के नज़दीक रहते हैं। इनसे बात हुई, उन्होंने कहा लाहौर से मोटरवे पर आ जाएं, फासला थोड़ा ज़्यादा है मगर सफ़र आसान रहेगा, मुझे भी साथ ले लेना। ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी आँख के बारे में जो बताया इससे कुछ अंदाज़ा हुआ कि मेरी आँख के साथ भी गालबन वही हुआ। राना इलियास कहते हैं 4 साल कबल इनकी एंजियोग्राफी हो रही थी, जहाँ इलाज हो रहा था वो रावलपिंडी में दिल का पाकिस्तान में सबसे बड़ा अस्पताल है, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर इस अस्पताल के साथ मुंसलिक हैं। एंजियोग्राफी के साथ ही एंजियोप्लास्टी भी होनी थी, मगर एंजियोप्लास्टी के अमल से कबल ही मुझे बाएँ आँख से नजर आना बंद हो गया। डॉक्टर को बताया तो इसने अपनी टीम को एंजियोप्लास्टी का अमल मौखर करने का कहा, तहम एंजियोग्राफी मुकम्मल की गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि कल आई स्पेशलिस्ट को दिखा लूँ, मगर मैं एंजियोग्राफी के बाद ही आई स्पेशलिस्ट के पास चला गया जिसने मुआयना किया और अगले रोज़ सुबह आने को कहा। दूसरे रोज़ डॉक्टर साहब थे, उन्होंने चेक किया, ड्रॉप्स तजवीज़ की और 2 हफ्ते बाद का वक्त दे दिया। 2 हफ्ते बाद अस्पताल गया तो तीसरा डॉक्टर ड्यूटी पर था, उसने आँख का मुआयना किया, हिस्ट्री दरियाफ्त की। वो पोजिशन होल्डर डॉक्टर था, वो सब जान कर सर पकड़ कर बैठ गया। उसने बड़ी अफसुर्दगी और हमदर्दी से बताया एंजियोग्राफी के दौरान किसी वेन में क्लॉट आ गया था, इसके लिए ज़रूरी था कि 1.5 घंटे में लेज़र लगाई जाती, अब कुछ नहीं हो सकता। राना इलियास एक आँख की बेनई ज़ाया होने पर कभी दया खातिर रंजीदा मायूस थे। यकीनन वो सोच रहे होंगे कि ज़िम्मेदार कौन है, कसूरवर जो भी हो, सज़ा किसको मिली। मैं सोच रहा था मेरी आँख की किसी वेन में भी क्लॉट आया होगा जो खुद ब खुद ख़त्म हो गया। राना इलियास कह रहे थे कि डॉक्टर कहते हैं इसका कोई अब तदारुक नहीं, तहम अल्लाह का करम हो सकता है। उन्होंने यकीन भी जाहिर किया कि इनकी वालदा ज़िंदा होती तो इनकी दुआओं से बेनई लौट आती। मैंने इन्हें या अल्लाह या इस्लाम का विर्द मामूल बनाने की ताकीद की। मौसम इस रोज़ खुशगवार था। आरिफ वाला से हमारे मुश्तरक दोस्त रियाज अहमद भी आए हुए थे। ताज़ियत के बाद दिनों दुनिया की बातें होती रहीं। सियासत और मुल्क हालात पर ऐसी मजलिस में बात ना होना मुमकिन नहीं। महंगाई की बात हुई, राना इलियास का कहना था महंगाई का तदारुक आमदन में इजाफे के सिवा कतन कुछ और नहीं। अमेरिका में महंगाई नहीं, 5 साल बाद हर चीज़ की कीमत में कुछ फ़ीसद इजाफा होता है। अमेरिका की मईशत से या मईशत से पूरी दुनिया की मईशत किसी न किसी हवाले से वाबस्ता है। वहाँ 5 साल कीमतों में इजाफे का असर हमारे जैसे मुल्कों पर पड़ता है। इमरान खान से तोका लोगों के वसाइल बढ़ाने की हो सकती है। हम चारों मुत्तफिक थे कि इमरान खान बदनीयत और बददियानत नहीं, वो ताकतवर माफिया से ज़बरदस्त माँ है। कामयाब होने में देर हो सकती है। अब शब सितम और जबर के सवेर या के सिवाय कुछ नहीं हो सकता, या इस शब सितम और जबर की सवेर ज़रूर होगी। अफ़गानिस्तान से अमेरिका की मुकम्मल वापसी पर बात भी हुई। कहा जा रहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फौजें तो आसानी से निकाल सकता है, मगर हज़ारों लाखों टन असलाह और आलात ले जाना मुश्किल है। इसके लिए इसे तवील अरसा दरकार होगा। इसकी हमारी गैदरिंग में नफीस तरह सामने आई कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया के पास सबसे बड़ा कार्गो जहाज़ C-130 है। बहुत बड़ा जहाज़ है, इसमें 3 बड़े ट्रक लोड हो जाते हैं। ताकतवर ऐसा कि पूरे जहाज़ में लोहा भर दिया जाए तो भी फ्लाई कर सकता है। महफूज इस कदर के चारों इंजन बंद हो जाएं तो काफ़ी फासले तक ग्लाइड कर सकता है और वीराने में भी आसानी से उतर सकता है। अमेरिका के पास सी
141 बड़ा जहाज़ है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि C-130 का जितना साइज़ है इतना इसमें ईंधन आता है। अमेरिका के पास अब तक सबसे बड़ा कार्गो जहाज़ C-5 है। इसमें C-141 के साइज़ जितना पेट्रोल आता है। ऐसे जहाज़ों की मदद से अमेरिका 1,00,000 फौज 24 घंटे में इसकी ज़रूरियात और असला दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। अमेरिका जब चाहेगा अफगानिस्तान से एक दिन में तमाम फौजियों असला और सब सामान को ले जाएगा। सफ़र के दौरान साहिवाल के करीब जवार दरियाए रावी के आर पर ज़रख़ेज़ ज़मीन अपने जिलों में सरसब्ज फसलें लिए हुए थी। मालूम हुआ मकई और आलू इस इलाके में वाफर मकदार में होता है। मकई का रेट कम पेश गंदम के बराबर है जबकि फी एकड़ पैदावार 110 मन तक जाती है। वापसी पर समुद्री इंटरचेंज से लाहौर आने के लिए एक वार्डन ने लिफ्ट का इशारा किया। इसका ताल्लुक तंदलियाना वाला से था, नाम शाहजहाँ जोहिया जो इमरान खान का मतवाला था। इसके बकौल किसान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बहुत खुश हैं। ऐसा फसलों का अच्छा रेट मिला है। सरसों फी एकड़ 15-16 मन होती है, फी मन 5,000 में बिकी। सरसों मकई और आलू ये 3 माह की फसलें हैं। मकई और आलू साल में 2 मरतबा उगाए जा सकते हैं। इस सफ़र के दौरान चाय के लिए एक वीरान से अड्डे का इंतखाब किया। इसके साथ ही बिजली पर बेलना चल रहा था, वहाँ 120 रुपये किलो गुड़ दस्तियाब था। शुक्रिया।